चीनी की कीमतों में इजाफा, खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक केन कमिश्नर ने एक्स मिल कीमत के तयन का अमल शुरू कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2023 को कीमतों के तयन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया। क्रशिंग सीजन के दौरान मुल्क में कुल 7.73 मिलियन मैट्रिक टन चीनी पैदा हुई। 5.032 मिलियन मैट्रिक टन का जखीरा पंजाब में था। पंजाब के जखायर मरबूत खत्ते की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी थे। उधर लाहौर हाईकोर्ट में चीनी की कीमत मुकर्रर करने के इकदाम के खिलाफ दायर मुतफर्रक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल कर दी, दरख्वास्त को दूसरी अदालत में लगाने की सिफारिश। मीठी चीनी की कड़वी कीमत, महंगाई के सताए आवाम परेशान। चीनी की बढ़ती कीमत ने चाय की मिठास छीन ली। कोयटा में चीनी मजीद 10 रुपए महंगी, कीमत 230 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर। पेशावर में भी चीनी के दाम 20 रुपए बढ़ गए, 220 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। बहावन नगर समेत जनूबी पंजाब में भी चीनी 220 रुपए फी किलो बिकने लगी। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, पत्तोकी में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तियाब। कई शहरों में बेकरी आइटम्स की कीमत को भी पर लग गए। नैब तरामीम केस का जल्द शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। प्रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। क्या नैब के पास मुकदमा दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कानून साजी से मफातयामा और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। एहतसाब अदालतों में चलने वाले तमाम मुकदमात फ्रीज कर दिए गए। अरबों रुपए के केसेस फ्रीज करके हाथ खड़े कर दिए। फ्रीज किए गए केसेस से उन लोगों का भी हक मुतासिर हुआ जिनके ये पैसे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वक्त कम है, मुख्तसर हुक्मनामा जारी करने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इस्लामाबाद में परवेज इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अदालत ने परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने और किसी किस्म का बयान ना देने की हिदायत कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। Having senses, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. It would happen in a relatively normal frame of time. No one has stopping any political party from participating in a normal constitutional political process. SIFC is somewhere where the economic revival of 24 million people's future lie. किसी जमात को आईनी अमल में शिरकत से नहीं रोका जाएगा। तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की आजादी है। निगरान वजीर आजम की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मावनत फराहम करना है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में हल्का बंदियां मुकम्मल करेगा। दस्तियाब वसाइल में बहरानों से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। दायरा कार में रहते हुए माशी माली मामला चला रहे हैं। अमरीकी डॉलर की रफ्तार, रुपया बेहाल। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मसीद 1.45 रुपए महंगा, 307.09 रुपए की नई बुलंदतरीन सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 45,491 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गायब नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी। नून लीग ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। लाहौर में बड़े जलसे के लिए 5 मकामात जेरे गौर। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इस्तकबाल के लिए 10 लाख अफराद को जमा करने का हदफ। टिकट होल्डर्स को अहदाफ दिए जाएंगे। पार्टी सराय के मुताबिक
नवाज शरीफ को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से जलसागाह लाया जाएगा। जो फैसले भी हुए हैं वो पूरी पीडीएम ने किए, और अब मसला ये है कि जो मुश्किल फैसले थे वो आप नून लीग के खाते में डाल देते हैं, और जो वजारतों के झंडे थे वो तो सबने लिए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हमने अपना, नून लीग और पीडीएम ने अपना सियासी कैपिटल जो है वो कुर्बान किया है। हमने उस अकेले खड़े पाकिस्तान को अपनी सियासत की बजाय पाकिस्तान को तरजीह दी है। वजारतों के झंडे सबने लिए मगर इल्जाम सिर्फ हम पर क्यों? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने पीडीएम इत्तेहाद में दराड़े वाज़े कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम फैसले पीडीएम ने मिलकर किए, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत संभाली। सिंध में सरप्राइज देने का दावा, कहा कराची से हमने कुछ नहीं लिया, इसे दिया ही है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, हल्का बंदियों पर काम हो रहा है, जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। मुल्क में महंगाई पर डायलॉग करने की जरूरत है। अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल करने का कानून हक देता है। सिंध में अगली हुकूमत एमकेएम और जीडीए की होगी। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल का दावा, कहा सिंध में तीन बार पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपना वजीर आला ला चुके हैं, निगरान हुकूमत को न्यूट्रल होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी गैर जानिबदार नजर आना चाहिए, ना वो हमारी हिमायत करें ना किसी और की हिमायत करें। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, सिंध नहीं चलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा शहरियों के वसीतर मफाद में तरजीहात मुतय्यन की हैं, चाहते हैं कि ऐसे तरक्याती काम हो जिनसे लोग तवील अरसे तक मुस्तफीद हो सकें। मेयर कराची पुर जवाहर की शेरशाह रोड और बरसाती नाले के असर नौ तामीर का संग बुनियाद रखने के मौके पर मीडिया से बातचीत, कहा शेरशाह रोड और बरसाती नाले की तामीर से आम तरफ का निज़ाम बेहतर होगा। इत्तेफाक करीब, शहीदों के लवाहिकीन के पैगामात, शहीद हवालदार अब्दुल गफूर की बेवा कहती हैं कि मेरे बच्चे भी मुल्क के लिए जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे। शहीद का बेटा भी बाप की तरह शहादत का ख्वाहिशमंद। 8 अगस्त 2023 को जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले नायक बादशाह रहबान शहीद की वालिदा कहती हैं, मेरे 100 बेटे भी होते तो वतन की मट्टी पर कुर्बान कर देती। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू बेकाबू हो गया, मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। 24 घंटे में 53 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 28 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में 15 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग इमाम लौलिया सैयद अली बिन उस्मान अल हजपेरी अल मारूफ दाता गंजबाश के सालाना 300 उर्स का आगाज, तकरीबात 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई, जायरीन के लिए दूध की सबीलें भी लगाई गईं। मलिका एलिजाबेथ दोम की पहली बरसी, बरतानवी कंपनी ने 3.5 किलोग्राम सोने से सिक्का तैयार कर लिया। सिक्के का नाम दी क्राउन रखा गया। सिक्के पर 6,426 हीरे जड़े हैं। कीमत 2,30,00,000 का तखमीना। मारूफ अदाकार आबिद अली को मदाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। आबिद अली ने वारिस, प्यास, दूसरा आसमान और मूसा खान जैसे ड्रामों में अदाकारी की जौहर दिखाए। आबिद अली को सदारती अवार्ड प्राय हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।